अगर आप फ्लिपकार्ट से नो कॉस्ट ईएमआई पर आईफोन को लेना चाहते हो तो कैसे आप ले सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट से नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई भी आईफोन को कैसे आप ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आईफोन आप लेना चाहते हो फ्लिपकार्ट से नो कॉस्ट ईएमआई पर तो कैसे ले सकते हो। गाइज, अगर आपके पास पैसे ना होते हैं फिर भी आप कैसे ले सकते हो गाइज, क्योंकि हम लोग के पास मिडिल क्लास फैमिली के पास अभी मान लो अगर 1 लाख का ही अगर आईफोन है तो आपके पास 1 लाख ना होने की वजह से आप आईफोन ना लेते हो, जिसके वजह से क्या कहते हो अगर आपके पास 10,000 पर मंथ या 3,000 पर मंथ होते हैं फिर भी अगर नो कॉस्ट ईएमआई पर लेते हो तो आप कोई भी आप अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हो। तो कैसे पूरा कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है उसको पहले अनइंस्टॉल कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लेटेस्ट फ्लिपकार्ट का, क्योंकि कभी कभी आपका फ्लिपकार्ट में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देता ही नहीं है, तो गाइस मैं उसका भी ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखो। तो गाइस यहां से आपको सर्च बार में आना है और गाइस आपको सर्च करना है जो भी अगर आईफोन 13 प्रो या 13 या 14 आपको चाहिए, जो भी आपको आईफोन चाहिए। तो गाइस यहां पे लाइक मेरे को आईफोन 13 में लेना चाहता हूं, तो गाइस आपको देख लेना है कि कौन सा आपका आईफोन चाहिए जो कि आप चाहते हो कि नो कॉस्ट ईएमआई पर मैं इस आईफोन को लूं। तो गाइस अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, यहां पे आईफोन देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कलर और रैम रोम देखने के लिए मिल जाएगा, आईफोन का नाम और यहाँ पे आईफोन का प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं, सिंपली से यहाँ पे अगर अभी बाय करना चाहते हो तो बाय नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जा रहा है सिंपली से आपका डिलीवरी एड्रेस। अदरवाइज यहाँ पे चेंज पर क्लिक करके आप अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज भी कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो गाइस अब यहां पे अब बारी आता है आपका एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बाद पेमेंट मेथड का ऑप्शन। तो गाइस यहां पे आपको ऑल पेमेंट मेथड देखने के लिए मिल जाता है, यूपीआई, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग और गाइस यहां पे इंटरनेट बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हम लोग को ईएमआई पर वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर चाहिए, तो गाइस आपको करना क्या, यहां पे आपको ईएमआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो और कुछ समय तक वेट करते हो तो गाइस अब यहां पे देख सकते हो अगर आपके पास यहां पे देख सकते हो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ही आप नो कॉस्ट ईएमआई पर लेते हो तो ही आपको मिलेगा। तो गाइस कभी कभी यहां पे अगर आपके पास बजाज फाइनेंस शॉप का कार्ड होगा तो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे बजाज फाइनेंस शॉप के कार्ड का भी अवेलेबल ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई के लिए ये आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कैसे अप्लाई किया जाता है, जो कि लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई करने का प्रोसेस बता दिया हूं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कोई भी यहां पे क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत सारा आपका क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, तो गाइस आप क्रेडिट कार्ड में भी ले सकते हो ईएमआई पर। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आईसीआईसीआई का भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपको अप्लाई भी करने नहीं आ रहा तो बस 10 मिनट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जो कि लाइफ टाइम फ्री, आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आईसीआईसीआई का भी क्रेडिट कार्ड क्या कर सकते हो, अप्लाई करके और आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड पे भी ले सकते हो। लाइक अगर आप अब यहां पे देखने के लिए मिल जाता है पेमेंट मेथड, तो गाइस सेम आपका यहां पे ईएमआई का भी शो होगा। अगर आपका नो कॉस्ट ईएमआई अगर आपके पास बजाज फाइनेंस शॉप का या फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड का अगर होगा तो उसका भी नो कॉस्ट ईएमआई का भी सेम आपका प्रोसेस है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो गाइस ऑफर आपको देखते रहना है, तो गाइस सेम दोनों का यही प्रोसेस होता है। तो गाइस अगर आप 3 महीने के लिए लेते हो तो आपको 20,442 रुपया आपको देना पड़ेगा, और अगर आप ईएमआई पर लोगे तो इंटरेस्ट लगेगा जो कि 12% लगेगा। और गाइस अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हो तो गाइस आपको 10,000 आपको देना पड़ेगा। तो गाइस आपके अपने अनुसार से देख लेना है, लास्ट 24 महीने तक है, आप पर मंथ कितना आप पैसे का इंतजाम कर पाते हो वो आपको देख लेना। लाइक मैं यहाँ पे 5,000 तक मैं पर मंथ इंतजाम कर सकता हूँ, तो गाइस मैं यहाँ पे 12 महीने के लिए सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस टाइप के आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है, उसके बाद सीवीवी नंबर डालना है। लेकिन अगर आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई का फोन लेना चाहते हो नो कॉस्ट ईएमआई पर और बजाज फाइनेंस शॉप का कार्ड है तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सीवीवी नंबर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कार्ड नंबर होता है। कार्ड नंबर डालने के बाद एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको डालना है, सेम दोनों का मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, दोनों से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा
यहाँ पे ईएमआई का या नो कॉस्ट ईएमआई का दिखा देगा। तो गाइस हम लोग ले रहे हैं इंटरेस्ट पे यानी कि ईएमआई पर, तो ईएमआई पर यहाँ पे 4000 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपको फोन का दाम कितना है आप देख सकते हो 59,000, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट रेट मिला करके आपको इतना टोटल अमाउंट पेएबल आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना आप पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं भाई। 2-3 हज़ार 12 महीने के लिए लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर यही नो कॉस्ट ईएमआई पर लोगे तो आपसे एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो गाइस कब नो कॉस्ट ईएमआई पर आता है मैं आपको बता दिया कि आपको कुछ समय तक वेट करना है, या कभी कभी नो कॉस्ट ईएमआई पर आता है बजाज फाइनेंस कार्ड के द्वारा। लेकिन अगर अभी तक आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का है तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप नो कॉस्ट ईएमआई पर ले सकते हो। तो गाइस जैसे ही यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, और आपके पास बजाज फाइनेंस का है तो सीवीवी नंबर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। गाइस मैं अभी आईफोन नहीं ले रहा हूँ, बस अब आगे का स्टेप बता दे रहा हूँ। तो गाइस जैसे ही आप लेते हो तो गाइस आपका डिलीवरी डेट पे आपका आईफोन डिलीवर हो जाएगा, और आपके अपने अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते हो तो क्रेडिट कार्ड से पर मंथ आपका पैसा कटेगा, अदरवाइज अगर आप लेते हो बजाज फाइनेंस के कार्ड के द्वारा तो आपके बजाज फाइनेंस के कार्ड के द्वारा पर मंथ आपका ईएमआई जितना का रहेगा लाइक 4000 5000 10000 जितना का भी रहेगा तो उतना आपका मंथ आपका कटता जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रोडक्ट को या आईफोन को लेना चाहते हो नो कॉस्ट ईएमआई पर तो आपको आईफोन को भी लेने आ गया होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।